सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। बिल्कुल जी, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फेस ऑफ के नाम से, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ इंडियन पैनलिस्ट भी हों और पाकिस्तानी भी। और आज आप देख ही रहे हैं कि हमें भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है साजिद ताड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आप दोनों ने हमें। माय प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मेरे थैंक यू। साथ दिलाते हैं, थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं तारण साहब आपकी तरफ चलूंगी, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है। पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा, हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? देखें, इस पे अनफॉर्चुनेटली मैं जिस इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली, कि दोनों तरफ से एक तो इत्माद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल, उसके ऊपर कई उसके बैकग्राउंड हैं, उसके कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, कई बैकग्राउंड। लेकिन आज के सरकमस्टांसेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ये क्या कर सकते हैं, ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे, किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मैं अभी जो एक पुरानी आदत है, सुबह उठते सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर एक इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। और उसके बाद मैं इसकी इसको थोड़ा सा आप जब दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आज इटली के वजीर आजम मारियो द्रागी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना रिजाइन दे दिया है। उससे पहले बोरिस यल्सन ने रिजाइन दिया था अदम एतमाद की वजह से। मुंबई के अंदर शिवसेना अपनी गवर्नमेंट जो है वो लूज कर चुकी है अदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने अदम एतमाद की वजह से वोट अपना अपनी पोजीशन लूज की है, ये सारे मुल्क के तीन तीन टुकड़े करने के लिए घूम रहे हैं? इनके हाथ में, किसी के हाथ में आपने पेट्रोल और माचिस देखी है? लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वजीर आजम कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे? अब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, उन्होंने वहां ट्रेड मिनिस्टर भेजा, चाहे ट्रेड हो या ना हो, उन्होंने खत लिखा है मोदी साहब को, जो कि होना चाहिए था। हमारे पिछले वजीर आजम अब उनका पोजीशन देख लें, वो कहते हैं जब तक मोदी साहब हैं हम बात ही नहीं करेंगे, जब तक 370 को रिमूव नहीं करेंगे हम बात ही नहीं करेंगे। अब उसमें अगर इनको कुछ समझाने वाला हो बंदा तो उनको ये कहे कि अगर आप डायलॉग नहीं करते तो उसमें विनर और लूजर कौन है, उसमें ये समझाने वाला उनको कोई नहीं। अब इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस दो चीजें बताऊंगा, ट्रेड जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, भारत के साथ करना बहुत जरूरी है, उनकी उनकी जरूरत है ये चीज। दूसरा, भारत के लिए जरूरी इसलिए है कि भारत इज टचिंग द पीक ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है वहां। अब उनके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर तरक्की कर रहे हैं और पड़ोस में आग लगी हो तो उसके उसकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन उनको भी समझना होगा, उनको भी अपना पॉलिटिकल इक्विटी कुछ लूज करनी पड़ेगी, उनको भी कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हो। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन मार्क ये है कि अफसोस के साथ कि जो भी लोग वहां पे पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं, जो रूलिंग एलीट है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, चाहे डॉलर 227 का हो चुका है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही वहां पे, जो लोग बाहर से तिजारत कर रहे हैं, कैश पे चीजें ले रहे हैं, ये सारी निशानियां ठीक नहीं है। मैं आई विश करता हूं कि आज जो हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये उस वक्त कर रहे हो जब पाकिस्तान के अंदर कोई पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान कोई हाथ बढ़ाने भारत की तरफ या किसी भी पड़ोसी की तरफ
हाथ बढ़ाने के काबिल। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट इन दिस पोजीशन कि वो इंटरनल इस बुरे तरीके से घिर चुका है अपने इश्यूज में कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है वो किसी को अगले स्टेप पे ले जाने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल जी, लेकिन मेजर साहब आप क्या समझते हैं कि भारत में कोई काम हो रहा है फूड शॉर्टेज पे, और अगर इस किस्म का कोई क्राइसिस आ गया तो क्या भारत इस काबिल है कि अपने लोगों को खाना दे सके? थैंक यू अर्जुन जी। बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले, तो यहाँ पर एकड़ यील्ड भारत की अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज़्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का पंजाब है वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है, वहाँ पे बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे और काफ़ी अच्छी खेती होती है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इसराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है। तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं, इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो बट मैं कह रहा हूँ कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स और ये इंडिया इज कॉग्निसेंट एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में भारत में सिर्फ बात नहीं होती, इसमें दिन रात काम भी चल रहा है और इसमें दिन रात और ये डायरेक्टली इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी नीचे टास्क फोर्स हैं जो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन इसकी जो डेली की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी खुद लेते हैं। ही इज अ जो मैंने सुना है, मेरी बात हुई है एक दो लोगों से करीब 6-8 महीने पहले जो पीएमओ में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि ही इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर, मतलब सोती भी ऐसी 3.5-4 घंटे सोते हैं वो, और बस उनका यही है काम दिन भर की, ये क्या ये हुआ इसका अपडेट लाओ इसका, तो एकदम वेरी वेरी खुद को भी ड्राइव करते हैं और को भी ड्राइव करते हैं। तो हाँ, जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, हाँ, फूड सिक्योरिटी को लेके और एनर्जी सिक्योरिटी को लेके भारत में बहुत एक अवेकनिंग है इस चीज़ को लेकर और इसको बहुत पुश करा जा रहा है। हमारे यहाँ एक और है ना कि जैसे जो लैंड के पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं इंडिया में, हर जगह हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है जिसके पास माना कि 10 एकड़ ज़मीन है, उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटे-बेटियाँ हैं, वो फिर वो 3.5-3.5 एकड़ तीनों में बढ़ जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे। तो जहां पे 10 एकड़ एक खानदान को पाल रहा था, 30 साल के बाद 10 एकड़ जो है वो 10 खानदानों को पालेगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये भी भारत को पता है कि इसकी वजह से लैंड का जो पार्सल कम हो रहा है इसके भी, तो फॉरेन कंट्रीज से कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फूड के बारे में, किस तरीके से फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, और साइंटिफिक रिसर्च के यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिसर्च के दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और जगह भी हैं, हमारे हैदराबाद में भी हैं जो दक्कन में है उधर, और जगह भी हमारे जो खास तौर से एग्रीकल्चर को देख रहे हैं हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं कि पर एकड़ यील्ड है वो कैसे बढ़ाई जाए। इसराइल से मोदी जी वो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ड्रिप इरीगेशन की, कि किस तरीके से कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकें। तो ये सब बातें चल रही हैं, किस तरीके से डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे तो समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करेंगे, उसको पीने के लिए या फिर उसको फार्मिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, ये सब हो रहा है। और जहां पे कुछ नहीं उग सकता, जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह है जहां पे आसपास पानी नहीं है, या गुजरात में कुछ ऐसी जगह है जहां पे नमक है, मतलब आप 50 किलोमीटर देखेंगे तो सिर्फ वो रन ऑफ कच्छ का एरिया जहां पे सिर्फ नमक ही नमक है जमीन पे, सफेद, इट्स लाइक द मून, वो जैसे मून का वो है, बड़ा खूबसूरत है लेकिन वहां पे कुछ उग नहीं सकता। और उसके अलावा भी कई जगह हैं और गुजरात में, तो वहां पे मैसिव सोलर फार्म्स लगा रखे हैं, मैसिव विंड के फार्म्स लगा रखे हैं। आप आरजू जी एक एक घंटा आप गाड़ी चलाइए और वो सोलर पैनल खत्म नहीं होते, मतलब आप इतने लगा दिए कि वो खत्म ही नहीं होते। तो जमीन उपजाऊ है, वहां से जमीन से आपके गेहूं निकले या वहां से सोलर एनर्जी निकले, जमीन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैनल जमीन पर लगा हुआ आती तो ऊपर सूरज से है, तो ये कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा, क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है,
लेकिन देर इज अ प्लान, देर इज अ बजट एंड देर आर एफिशिएंट पीपल हु आर डूइंग इट 24/7. तो मैं होपफुल हूँ कि हो जाएगा, इसलिए मैं होपफुल हूँ. मुझे लगता है आपके यहाँ कोई मलिक रियाज नहीं है, वरना अभी तक वहां पे सब जगह बिल्डिंग्स बन गई होती हैं. और जो हमारा हाल हुआ है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है कि जहाँ पर हम अनाज उगा सके या कोई काम कर सके. क्या कहेंगे तारु साहब आप, हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा. इस पे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारे सबका वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि जाके किसी से पूछ लें, मेरे टाइम के अंदर लोगों ने रियल स्टेट में से रेकर्ड पैसे बनाए. तो रेकर्ड पैसे बनाने से मतलब ये था उनका कि उनके दौर में हाउसिंग सोसाइटियों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने खुल के एक दूसरे की मदद की है. अब मैं दूसरा पॉइंट उसमें ऐड ये करूंगा कि अगले दिन 6,000 हाउसिंग सोसाइटियां इन पंजाब अलोन दे आर इन पाइपलाइन, कि किस तरीके से वो उसको हाउसिंग सोसाइटियां बना रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर की हालत नहीं है. अब मैं जो खासकर फूड की बात कर रहा था, तो उसमें जो हमारे पूटन साहब अगले दिन मैं अब सरप्राइज कि पूटन साहब जब गए ईरान के दौरे में, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूक्रेनियन वीट जो है गंदम को किस तरह ब्लैक सी से दूसरी दुनिया को बेचनी है. और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव उनका और भी था जो आवाज शाक के थ्रू ईरान गिव अ पैसेज टू हेल्प इंडिया, भारत थ्रू ईरान टू हैव एन एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया. तो ये चीजें दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है. फूड इज द फ्यूचर इशू, वाटर इज द फ्यूचर इशू, इसमें कोई शक नहीं है और इस पे काम भी हो रहा है. लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जिस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, 188 कमरे 5-star होटलों के बुक हैं, और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है. आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है, मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 crore लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ. तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट. लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक एक, एक, एक मलिक रियाज साहब के हाथ में है, बैरियर टाउन के हाथ में है. जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है वो विश करता है कि मलिक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है. सबसे बड़ी बात है विजन. मेजर साहब से मैं कहूंगा जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है. जब तक आप मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं, और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में. भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है, और ना देने का कोई इस वक्त लग भी नहीं रहा. क्योंकि मैं खुद पिछले 74 से भी मैं देख रहा हूं जो कोई हो रहा है पाकिस्तान में, और आने कहते नो रिलीफ इन साइट. अनफॉर्चुनेट ये हमारी एज ए पाकिस्तानी मैं एडमिट करूंगा, ये बदकिस्मती है और शर्मिंदगी. एक चीज और मुझे, इससे पहले मैं मेजर साहब की तरफ चलूंगा, एक चीज और मुझे बताइएगा तारु साहब, के कल मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली थी जो इंडियन है, और वो अभी नए नए आए पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, कह रहे इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बोलते ही जाते हैं, कहते हमारे मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आते. और क्यों नजर नहीं आते वो मेजर साहब बताएंगे, लेकिन ये नजर क्यों आते हैं पूरा दिन आपके ख्याल से? देखिए, आज तक आपने कभी सुना है किसी दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में वजीर बेमहकमा, वजीर है लेकिन पोर्टफोलियो कोई नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा? 4 सूबे हैं छोटे छोटे और 100-100 बंदे की कैबिनेट होती, तो फिर वो क्या करें? उन्होंने कुछ ना टाइम तो गुजारना होता है. तो पाकिस्तान में 2-3 नई चीजें शायद आज देखने वाले, एक तो वजीर बे महकमा, और दूसरा हर वजारत के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक असली मिनिस्टर है, एक फेक मिनिस्टर है. तो उन लोगों के पास बेचारों के टाइम क्या होता है? आपके पास किसी को इतिहाद बनाने के लिए भी आपने मिनिस्ट्रियां बांटनी होती हैं या वजारतें बांटनी होती हैं, और उसके बाद ये कि जो अपने यार दोस्त हैं उनको ओबलाइज करने के लिए भी यही एक तरीकाकार है. यहाँ पे मुझे ये बताएं, कभी आपने देखा है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का को हेड कर रहा हो? तो ये तो सारे हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी इन चीजों में. हमारा अफसोस, मैं कई दफा कहता हूं कि पोलिटिकल सिस्टम चलता रहता,
लोग तजर्बात करते, इसी तरीके से रिफाइन होकर लोग आगे आते हैं, हाइब्रिड सिस्टम ना होता, चीजें ट्रैक पर चलती, और आगे भी आने वाले, मैं अब देखें, मैं दुआए खैर की जा सकती है, मायूसी गुनाह है मैं समझता हूं, लेकिन ये कि इस वक्त सो फार कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अगले जिस तरह 36 घंटे अगले 48 घंटे जो चल रहा है, जिस तरह के लोग, मैं लोग पेट्रोल और माचिस लेके घूम रहे हैं, सारी आधा पाकिस्तान इस वक्त यही हालात चल रहे हैं। मैं मेजर साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, जबकि हमारे मिनिस्टर्स तो हर वक्त टीवी पे ही रहते हैं, तो आपके मिनिस्टर्स टीवी पे क्यों नहीं आते? किसी डिबेट में हमने नहीं देखा, किसी उसमें जैसे टॉक शोज में नहीं होते? और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में है, तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? आरजू जी, पहले सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स, ये भारत में शुरू से ही है कि पब्लिक कमेंट्स मिनिस्टर्स कम करते हैं यहाँ पे, और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम हैं, कभी अगर चले गए कहीं पे तो चले गए, वरना नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था जब देखता था कि रोज इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टाइम तो बिल्कुल कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह होता है, सोने चांदी की तरह, इट्स वेरी, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम कितना वैल्यूबल होगा एक मुल्क का, 22-25 करोड़ का मुल्क है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वैल्यूबल, राइट? बट यहाँ पे रोज के रोज, अब आप CNN के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एक घंटा तैयारी करेंगे, आधे पौन घंटे का वहां पे इंटरव्यू होगा, आपका मेकअप होगा, उसके बाद वो आप डिस्कस करेंगे, आपके 2-3 घंटे तो चले गए रोज के, तो मतलब अगर आप एक इंटरव्यू 45 मिनट का भी करते हैं तो तो थोड़ा सा अब पता नहीं ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स का कोई रेलिवेंट चीज है तब वो जाएंगे, पर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को टॉक शो में जाते हुए, ऐसे मीडिया को एड्रेस करते हुए, कोई बड़ी चीज होगी तो हाँ एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफिंग में जो स्पोक्स, अच्छा आप एक और देखिएगा कि जो बाची साहब हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ज्यादातर बोलते हैं, आपने जयशंकर साहब के बयान कम देखे होंगे, जयशंकर साहब बहुत कम बोलते हैं आप, हाँ वो थोड़ा सा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ज्यादा वर्ल्ड मीडिया में उछाली जाती है उनकी बात, बट ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बोलते नहीं ज्यादा, बस उनका ये है कि वो फ्लाइट में सोते हैं, अपना प्लेन पकड़ा, फ्लाइट में सोए, वहां पे टाई शाई पहनी, अपना काम वाम करा, वापस ये वो 24 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे, इनका तो यही हाल है पूरे सबका, और ये नहीं करते। और दूसरा जो आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है, और मैं भी ये बात मानता हूं कि आरजू जी किसी भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया में वन साइडेड हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस। यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है, ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए, या तो मोदी जी ये बोले कि नहीं ठीक है भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूं, ऐसा तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है, ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है, और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में, बाय द वे ही इज माय क्लासमेट, राहुल गांधी इज माय क्लासमेट, हम लोग एक साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में, फिर एक साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, बाहर चले गए थे, एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन, बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी, और he's a very good human being, but I don't think he's cut out for politics. Unko mujhe nahi lagta, sabka hota hai apna ek talent hota hai, mujhe nahi lagta ki wo politics ke liye hai. He's a very straightforward, a very genuine sort of a guy. Jitna maine unko college mein dekha, main ek saal unke saath tha college mein, aur ek saal mein maine dekha ki he's a good person, he's not a bad person, but wohi cheez hai ki dekhiye election mein na aapko ek politician banne ke liye, jaise Modi ji hain, koi parivar nahi hai, kuch nahi hai unka, na wo 24 ghante yahi kaam hai, to he's वो मोदी जी इज मेड फॉर पॉलिटिक्स, एंड उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में, इतने साल 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है, सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने, रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं, वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने, वो पहला चुनाव MLA का लड़ाई चीफ मिनिस्टर बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़े वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो RSS के प्रचारक थे, तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है। आपके सवाल का जवाब मैं आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी, कि
बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा. ये थोड़ा सा यू नो दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया, और अगर ऐसी चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी तो लगता था. अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्योंकि दे हैव वन एवरीथिंग, और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है. और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात बात करने की जरूरत नहीं है, मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे, लेट योर वर्क स्पीक, अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी, मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग, पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं. आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी आवाम में बोले, तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है. और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान. वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसको क्रिटिसाइज कर दो, करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना. पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं जी, सब कॉन्टिनेंट में, इटली भारत पाकिस्तान में पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा, पहले उसको जीतना पड़ेगा ना. बिल्कुल, यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए. नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तारण साहब आखिर ये अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन होती है ये मिलके काम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट के साथ. अभी देखे खान साहब जीत गए, उस पर यकीनन मेजर गौरव और पूरा इंडिया बड़ा खुश होगा कि जी बाय इलेक्शन में खान साहब की पार्टी जीत गई है, लेकिन खान साहब खुद बड़े उदास लग रहे हैं, उसकी क्या वजह है. देखिये दो चीज, मैं पहले थोड़ा सा वो मैं उस वक्त मैं वो एंटरटेनमेंट के हवाले से वो जो टीवी पे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं वो उसका भी मेरे जहन में आइडिया आया जो मैं बता नहीं सका बाद में, कि पाकिस्तान में इसको ऐसे एंटरटेनमेंट इस्तेमाल किया जाता है. भारत में और दूसरे मुल्कों में शाम के वक्त गाने ड्रामे दूसरी चीजें भी चलती. आप नोट कर लें कि हमारे टॉक शोज जो हैं उनमें गाली गलौज एक दूसरे के साथ बदतमीजी को ऐसे एंटरटेनमेंट समझा जाता है, जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं एक दूसरे से. बल्कि यहां तक मैंने सुना है कि एक दूसरे का जिसको जानबूझ के एंकर जरा थोड़ा सा बुलाकर दूसरे का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उनको ये लोगों के लिए एंटरटेनिंग है ये कि मिनिस्टर लड़े वो एक दूसरे की जातियात को लेकर आए, लोग एंजॉय करते हैं इसलिए इस वजह से. दूसरा जो मैं बात कहने लगा था, दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी. और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह हम आपके लिए नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे. हमारे साथ बने रहिए. जय हिंद, जय भारत.